हे गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। आप मेरे चेहरे का ग्लो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। पिछले 4 दिनों से मैं ये चीज़ें लगा रही हूँ तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। हमें पोटैटो चाहिए और ये है कच्चे हल्दी, कच्चे हल्दी है ये, और ये है कर्ड। दही, दही आप पुरानी भी ले सकते हो। रात को ये मैंने जमाया था तो मेरे पास यही है, तो ताज़ा दही है ये। आप चाहो तो कितना पुराना भी ले सकते हो। ये 3 चीज़ें मैं पिछले 4 दिनों से कर रही हूँ। मेरी स्किन में बहुत फ़र्क आया है, स्किन टोन बहुत अच्छी हो गई है। मेरे चोट लगी थी तो बहुत सारे दाग हो गए थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दाग धब्बे कम हो गए हैं, जो पिगमेंटेशन है उस तक को ये ठीक करता है। ये आप डेली कर सकते हो और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पोटैटो लेना है, ये आप देख रहे हो ना, तो आपको ये इतना पार्ट लेना है, पीछे का जो छिलका है ना, ये थोड़ा मोटा, ये छिलका आपको ये कट कर लेना है। और इसको हम अपने पूरे चेहरे पे 1 मिनट के लिए रब करेंगे, इस तरीके से पूरे चेहरे पे आपको ये लगाना है। पोटैटो जो होता है वो दाग धब्बों को कम करने में हेल्प करता है। एक तरह का इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि धीरे धीरे आपकी स्किन को लाइट करने में भी हेल्प करती है। 1 मिनट तक ही आपको करना है, और ऐसे आप करोगे ना तो इसका जूस खुद ही निकलेगा, थोड़ा सा इसको दबाओगे तो, और नहीं तो आप चक्कू की हेल्प से इसको कर सकते हो। पोटैटो लगाने के बाद आपको 5 मिनट तक रहने देना है। उसके बाद नाइफ से आप कच्ची हल्दी पे इस तरीके का कट कर दीजिए ताकि उसका पूरा जूस आपके चेहरे पे लग पाए। रो टर्मरिक इतनी अच्छी होती है, हमारे स्किन के लिए एंटीबैक्टीरियल होती है, जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ये ठीक करती है, दाग धब्बों को हटाने में हेल्प करती है, कोई भी निशान हो जाए उस तक को ठीक करती है। गाइस, कितनों को हल्दी सूट नहीं करती है ना, तो आप अदरक से भी कर सकते हो, जो जिंजर होता है, या फिर आप एलोवेरा लेके भी आप कर सकते हो अपनी स्किन पे, लेकिन मुझे कच्ची हल्दी सूट करती है। तो 1 मिनट तक हम इसको लगा लेंगे, फिर 5 मिनट के लिए रहने देंगे। देन 5 मिनट बाद आपको 1 चम्मच कर्ड लेना है। गाइस, मैं दही की बात बताऊँ ना तो रिंकल को कम करता है, जो आपकी स्किन जो एजिंग की तरफ जा रही है ना, कर्ड उसको वहीं स्टॉप कर देता है। जो फाइन लाइनस होती है, जो रिंकल्स हो जाते हैं, उसको ये दूर करता है, आपकी स्किन में लाइटनिंग लाता है, ब्राइटनिंग लाता है। कर्ड से आपको अच्छे से मसाज करना है पूरे चेहरे के ऊपर। जो भी आप स्टेप करोगे ना, वो ऊपर की तरफ होने चाहिए, दही आपकी स्किन के अंदर जानी चाहिए, ताकि वो अंदर की जो लेयर होती है ना, उस तक की डार्क लेयर को ये लाइटन कर देती है। गाइस, मैं डेली चेंज कर करके अपने चेहरे के ऊपर लगाती रहती हूँ। आपके किचन में जो भी हो आप वो यूज कर सकते हो, जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। 5 मिनट मसाज करने के बाद इसे हम रहने देंगे 10 मिनट के लिए। टैनिंग को तो ये उसी टाइम ख़त्म कर देता है, जो आपके चेहरे के ऊपर जो टैनिंग को ये ख़त्म कर देता है उसी टाइम। तो वॉश करने के बाद आप मेरी स्किन देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, टैनिंग भी नहीं है और जो दाग धब्बे हैं वो भी थोड़े थोड़े लाइट हो गए हैं। फेस को वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा लूँगी। अगर आप इसे दिन में करते हो ना, तो फेस वॉश करने के बाद आपको सनस्क्रीन लगा लेना है, लेकिन अगर आप रात में करोगे ना, तो आपको चेहरा वॉश करने के बाद कोई भी जो स्लीपिंग मास्क होता है या फिर एलोवेरा जेल, आप कुछ भी जो आपके चेहरे पर सूट करता है वो आप लगा सकते हो। गाइस, डेली अगर ये 3 चीज़ें फॉलो कर ली ना, तो फेशियल आप कभी भी नहीं करवाओगे, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। स्लीपिंग मास्क की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक